राधा स्वामी जो पहला शब्द सुना आप लोगों ने गुरुवाणी से है वो आम दुनिया के लिए नहीं है। उन्होंने कहा है कि भक्तों के लिए है या संतों के लिए है। तेरी ओट जो है या तेरा जो ओट है या तेरी टेक है भक्तों को है और संतों को है, आम दुनिया के लिए नहीं कही गई ये बात। कबीर साहब ने जो शब्द लिखे उन्होंने कहा मानुष्य जन्म सुधार, मानुष्य जन्म को सुधारने की आदेश दिया। गुरु नानक साहब जी की जितनी वाणी है वो भक्ति मार्ग है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में जितना भी लेख संतों ने किया है वो भक्ति मार्ग का है। और भक्ति किसकी कही है वो अलग अलग संतों ने अपने अपने ख्याल से उस माल के कुल की भक्ति कही है। और उस भक्ति को करने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी बताया गया है। सब ने गुरु की महिमा को गाया है, किस ढंग से गाया हर संत ने अपने ढंग से उसको गाया जैसा भी उनका अपना तजुर्बा था। स्वामी हमारे दाता दयाल जी महाराज आए उन्होंने भी इंसानियत के ऊपर बल दिया। जितने भी शब्द उनके आप देखोगे वो इंसानियत के लिए हैं। वो भी यही कहते कि अपना जन्म सुधारो भाई, अगर जन्म नहीं सुधारा गया तो तुम भगवान को क्या प्राप्त करोगे। पहली बात तो ये है। सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज ने तो अंत ही कर दिया। उन्होंने कहा कि उसको कोई नहीं पा सकता जब तक कि उसका संसारिक जीवन ठीक नहीं है, इसलिए मानवता का झंडा उन्होंने लहराया। और ये कब उन्होंने किया, जब उन्होंने 1947 में बहुत ज्यादा जुल्म देखा इंडिया में। मैं तो छोटा बच्चा था तब, मैंने भी अपनी आंखों से देखा कि कितना ज्यादा जुल्म हुआ। बच्चों को ऐसे ऊपर को फेंकते थे और नीचे ऐसे वर्षा कर देते थे, बच्चे के दो टुकड़े हो जाते थे। बहुत जुल्म हुआ, इंसानियत खत्म हो चुकी थी। तो उन्होंने भी फिर आखिर में यही कहा कि पहले इंसान बनो और उसके बाद ही तुम्हें रूहानियत पैदा लगेगी। आज मैं आपको खास शब्द सुनाने जा रहा हूँ उन्हीं काल से। 1964 में जब पहली जहाँ बैसाखी हुई तो सभी संतों को बुलाया गया था। मुसलमान काजी भी आया था अलीगढ़ से और जैन मत के धर्म के भी स्वामी क्या नाम था उनका मुझे भूल गया, सुशील मुनि, सुशील मुनि जी वो भी आए थे। आर्य समाज वाले भी आए थे और दूसरे सरदार साहब भी आए थे, बाबा कृपाल सिंह जी महाराज भी आए थे और सिकंदराबाद से भाई जी आए थे। तो उस वक्त महाराज जी ने बोलते हुए एक लाइन कही कि मैंने ये नई दुकान क्यों खोली है। ये उनके शब्द है, ये मुझे नई दुकान खोलने की क्या जरूरत पड़ी थी, क्योंकि मैंने एक नई बात कहनी है जो आज तक किसी ने नहीं कही। मैं आज इसलिए इस नई दुकान को खोला। और वो क्या नई बात है कि मैंने 1905 में दाता दयाल जी महाराज से नाम प्राप्त किया और 1916 तक मुझे कुछ नहीं मिला। मैं सिर्फ प्रेम और भक्ति में ही विश्वास करता था। दाता से मेरा बहुत प्रेम था, कहानियां बताते थे कि कितना प्रेम था उनका, बार बार बताया करते थे। आखिर में उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा कि कबीर ने क्या लिखा, जा दाता दयाल जी महाराज ने क्या लिखा, जा स्वामी जी महाराज ने क्या लिखा, क्योंकि मैं राधा स्वामी मत में आया तो मैं ये देखना चाहता था कि क्या संतों का अधिकार है कि उन्होंने सभी का खंडन कर दिया, सभी अवतारों का खंडन कर दिया कि वो वहां नहीं पहुंचे, वो दुनिया में रह गए, वो पार नहीं गए। मोहम्मद नहीं गया, पराशर नहीं गया, कृष्ण नहीं गया, राम नहीं गया, सबका खंडन है, मैंने भी पढ़ा है। तो मैंने इस खोज की कि वो क्यों नहीं गए। वो शब्द आज मैं आपको सुनाने लगा हूं कि संतों की वाणी में क्या है जिसको मैंने समझा है। दो अभी मैं 90% तक तो थोड़ा समझ गया हूँ, 100% नहीं हुआ, चल रहा हूँ मंजिल की ओर चल रहा हूँ। वो दाता दयाल मैं आपको कबीर साहब का शब्द सुनाने लगा हूँ। तो ये जो परंपरा चली संत मत की या सत्संग की, ये संतों ने क्यों चलाई, क्योंकि वो अपना अनुभव बताते थे।
कि भाई ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, ये करना, दुनिया को भी समझाते थे, दीन भी बनाते थे और दुनिया भी बनाते थे। लेकिन आज कलयुग का समय है, आज कलयुग में जो भी लोग प्रचार करते हैं या डेरे बने हैं, आप बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, सबका जो सबकी जो दृष्टि है वो अपने डेरे के ऊपर है, आप लोगों पर नहीं है कि आप आए हो, आपका भला हो, आपकी जिंदगी बदले, आपकी तब्दील जिंदगी हो जाए। एक परंपरा सी बन गई है, एक संस्था सी बन गई है, एक समझो कि रिवाज बन गया है कि वहां जाओ नाम ले लो, वहां जाओ नाम ले लो। मुझे दुख होता है जब मुझे कोई टेलीफोन करता है बाहर से, बेबियां बेटियां करती हैं, कोई बुजुर्ग करते हैं कि महाराज नाम लिया हुआ है मैंने, कि एक लड़की का टेलीफोन मुझे आया 10-15 दिन हो गया अमृतसर से। मैंने कहा बेटी बताओ कैसे याद किया, कि महाराज मैंने नाम डाल लिया तब, लेकिन मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता, बेचैनी रहती है। मैंने कहा ये बताओ कि आपने नाम लिया क्यों। सवाल ये है कि आप दुकान पर जाते हो, कोई मतलब की चीज खरीदते हो जिससे आपको फायदा हो, ऐसा ही है कि ऐसे तो नहीं जाते दुकान पर, तो गुरु के पास किस लिए जाते हो, क्या लेने जाते हो बताओ। कहते जी मुझे तो पता नहीं, मेरे मोहल्ले में एक औरत रहती थी, उसने कहा चल तू भी नाम ले ले, गुरु महाराज मरने समय हमें स्वर्ग में ले जाएंगे। मैंने नाम ले लिया। मैंने कहा वाह वाह, ये तो गलत है, ऐसा मैं नहीं विश्वास करता, कोई गुरु नहीं आता। अगर गुरु आता है, मान लो मैं मान लेता हूँ गुरु आता है, तो जो देवी को मानते उनको देवी लेने आ जाएगी, जो राम को मानते उनको राम लेने आ जाएगा, जो कृष्ण को मानते हो वो कृष्ण लेने आ जाएगा, फिर झगड़ा किस बात का। जो जो जहां लगा वहां लगा रहे, गुरु के पास जाकर क्या मिला। अगर उसने लेने आना है तो गुरु का फर्ज लेके जाना नहीं है, गुरु का फर्ज है हमें मोक्ष देना, हमें वो रास्ता बताना जिससे हम इस दुनिया से पार हो जाए। क्या कहा मैंने, अब सब निकालो, मैं क्या कहने लगा हूं। जो मैंने उस दुकान से पाया, वो दुकान जो परमदयाल जी महाराज ने जहां खोली, ये मानवता मंदिर बना, मुझे क्या मिला मैं वो कहने जा रहा। क्या ठीक कहा मैंने शिव कुमार, मुझे क्या मिला उस दुकान से, मैं जिस दुकान पर गया हूं, जहां जो मैं लेने आया था, जिसकी आशा मुझे 6 साल से थी, मैं तड़प रहा था, तो 12 साल के बाद सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज मिले, उनकी दुकान से मुझे क्या मिला, ये मिला जो मैं आपको बताने लगा हूं। पढ़ो कबीर साहब की शब्दावली पहला भाग, सतगुरु और शब्द की महिमा। ये कबीर साहब लिखते हैं कि सतगुरु की क्या महिमा है, सतगुरु किसको कहते हैं, सतगुरु वो सत, सत सत क्या होता है, जो सदा रहता है। गुरु कौन है, गुरु वो जो अंधेरे से तुम्हें प्रकाश में भेज दे, जो तुम्हारे भ्रम दूर कर दे, जो तुम्हें जितना भ्रम है, जितना वहम है, जब धर्म का या कर्म का या कर्म कांड का, सब वहम दूर कर देता है, आपको निर्मल कर देता है गुरु। जब तुम निर्मल हो जाओगे तो मैल ही कोई नहीं रही, फिर कहाँ जाओगे, वहां जाओगे जहां से तुम आए हो। पढ़ो चल सकते गुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजे साहेब से तो परम पद पाइए। अब कबीर साहब की वाणी है जो वो ये कहते, क्यों लिखा वो ये शब्द, ये तो वो जाने, जो मैं समझा मैं तो वो बात करूंगा, हो सकता है मैं गलत। कबीर साहब कहते हैं सतगुरु की हाट पर जाओ और वहां से दो चीजें लेकर आओ, ज्ञान और बुद्धि लेकर आओ। मैंने क्या लिया, अब सवाल ये है, मैं बहुत गहराई में जाता हूं थोड़ा। परमदयाल जी महाराज को जब दाता दयाल जी महाराज ने अपना दृश्य दिखाया और उनको बता दिया कि मैं जहाँ रहता हूँ आप आकर मुझे मिलिए, तो दाता को परमदयाल जी महाराज 10 महीने चिट्ठी लिखते रहे, जो एड्रेस दाता दयाल ने उनको उस दृश्य में दिखाया था अपने अंदर, 10 महीने तक कोई उनको उत्तर नहीं आया।
10 महीने के बाद दाता दयाल जी महाराज का चिट्ठी आई, फकीर आपके सभी खत मुझे मिलते रहे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं तेरे विचार की कदर करता हूँ। मुझे असलियत, तीन शब्द हैं, मुझे असलियत, हकीकत और सच्चाई हजूर राय सालग्राम साहब जी महाराज के संगत से प्राप्त हुई। अगर तुम्हें उनको जानने की इच्छा है तो मुझे लाहौर आकर मिलो। ये दाता दयाल जी महाराज ने पत्र उनको लिखा। तीन चीजें जिंदगी की, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है और असलियत क्या है, ये बात एक मैंने कर ली। अब दूसरी बात मैं अपनी बताता हूं। 1980 में महाराज जी के चरणों में 1956 में आया। 1980 में इस कमरे में जब महावारी सत्संग हुआ, महावारी सत्संग 10 अगस्त का महीना 1980, तो गोपाल जी यहाँ बैठे थे, मुझे कहते कमल जी महाराज जी से प्रार्थना करिए। हम 79 में, वो 79 में मेरे पास हमीरपुर गए थे, महाराज जी का प्रोग्राम बना लो। मैंने कहा मैं अभी जाता हूँ, मुझे खुशी होती थी उनके पास बैठने की। मैं गया, महाराज जी अंदर आराम करने चले थे तो हुक्का पी रहे थे, लेटना था उन्होंने। मैंने महाराज जी के चरणों पर सिर रखा और हाथ जोड़े, पिताजी इस साल भी हमीरपुर का प्रोग्राम बना ले तो बहुत अच्छा होगा, मुझे संगत मिलेगी, सेवा करने का मौका मिलेगा। महाराज जी ने एक घूट खींचा और मुझे कहते, बेटा बात सुन, तुम्हें मैंने असलियत, हकीकत और सच्चाई बता दी। तुम्हें मैंने असलियत, हकीकत और सच्चाई बता दी, अब इस बूढ़े शरीर को कहां खींचता फिरेगा? अब इस बूढ़े शरीर को छोड़, उसको पकड़ जो तुम्हें मैंने बताया है। और मेरे सिर पर हाथ रखा और मैं रो पड़ा था, मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे, जज्बा आ गया था कि ओ मेरे दाता इतने मेहरबान है मेरे ऊपर, और मैं जो डिजर्व नहीं करता था वो मुझे दे दिया। तो क्या दिया वो मैं आज आपको बताता हूँ, सुनने की कोशिश करना मैं क्या कहता हूँ। ये तीन चीजें हैं, असलियत, हकीकत कहाँ से मिली, चल सतगुरु की हाथ ज्ञान बुद्धि लाइए। बुद्ध आपके अंदर है, हर जीव के अंदर बुद्धि है, हर जीव, हर पक्षी के अंदर बुद्धि है, हर जीव के अंदर ज्ञान है, हर पेड़ पौधों में ज्ञान है। देखो आप पेड़ पौधों को अच्छी तरह देखो, परम दयाल जी महाराज, शुई मुई होती है एक लाजवंती, वो मैंने देखी गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे यहाँ थी, उसको हाथ लगाओ वो इकट्ठी हो जाती थी, इसका मतलब उसमें भी जान है। दरख्तों में जान है, पक्षियों में, छोटे से छोटे कीड़ों को मैंने चलते हुए देखा है, वो देख लेते हैं इधर जाना नहीं, इधर नहीं जाना, इधर जाना, ये रास्ता ठीक नहीं है। देखो आप उनमें भी बुद्धि है। कुदरत ने हर जीव में अपनी अंश बुद्धि रूप में डाली है, लेकिन एक इंसान है जिसको अशरफ मखलूकात कहते हैं, एक इंसान है जिसको नरनारायणी दे कहते हैं, जिसको हजूर बाबा चरण सिंह जी महाराज कहा करते थे टॉप ऑफ द क्रिएशन, सबसे उत्तम तुम हो और कोई आपसे ज्यादा उत्तम नहीं है, और मालिक ने तुम्हें अपने रूप पर बनाया, ये भी संत कहते हैं। तो हमने कभी अपनी असलियत को जाना ही नहीं है कि असलियत हमारी क्या है। पहली असलियत सुन लो क्या है, पहली असलियत जो मुझे दाता के चरणों में बैठ कर मिली वो ये है कि ये संसार संकल्पमय है, ये संसार संकल्पमय है, जैसा ख्याल वैसा हाल। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे ख्याल, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल बनाता है। और पीछे जाता हूं मैं, तुम्हारा ख्याल कहां से बनता है, जब ये ज्ञान की बात है, ख्याल किस चीज से बनता है। बुजुर्गों ने कह दिया जैसा खाइए अन्न वैसा बने मन, ये संतों ने, बुजुर्गों ने कहा है। तो तुम्हारा ख्याल कहां से बनेगा, तुम्हारी खुराक से बनेगा। मैं अभी वहां बैठा बात कर रहा था कि शादियों में मैं, मुझे खाना नहीं ठीक मिला, मुझे 15 दिन बेचैनी से गुजारने पड़े, क्योंकि वो खाना के किसने बनाया, दूसरों ने बनाया और वो सात्विक नहीं था,
सात्विक कौन सा होता है जिसमें मिर्च मसाले ज्यादा ना हो, तले हुए ना हो, मुझे भी खाना पड़ा। बात मेरी समझ रहे हो? तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, वे खाना वो जत्था मेरी कमाई का नहीं था, वो मेरी कमाई का नहीं था, मुझे खाना पड़ा। तो मैं अपने उस इष्ट के लिए बैठकर भजन नहीं कर सका। क्या कह रहा हूँ आपको, मैं दुखी रहा, शाम सवेरे अपने आप को पश्चाताप करता रहा कि कब ये चक्कर खत्म हो तो मैं बैठकर आराम से खाना खाऊं। मैं कुछ कह रहा हूँ, बात को पकड़ो। अब वो जो खाना बनता है वो किस चीज के बनता है? वो हक हलाल की कमाई से बनता है। अगर वो किसी का बना हुआ है, किसी की कमाई है, किसी का पैसा है, तो तुम भजन नहीं कर सकते, तुम बैठ नहीं सकते हो। हेरा फेरी करने वाले कभी भजन नहीं कर सकते, झूठ बोलने वाले कभी भजन नहीं कर सकते, धोखा देने वाले कभी भजन नहीं कर सकते, दूध में पानी डालने वाले कभी भजन नहीं कर सकते, कम तोलने वाले कभी भजन नहीं कर सकते, और लोगों से हेरा फेरी करके पैसा कमाने वाले भजन नहीं कर सकते। क्या कहा मैंने? ये पहली असलियत है। अगर आप दुनिया में सुखी रहना चाहते हो तो आओ हक हलाल की कमाई करो। बिजनेस करते हो तो जो तुम्हारा हक बनता है वो कमाओ जितना तुम्हारा हक बनता है। ये नहीं कि गरीब आया, अनपढ़ आया, उसकी चमड़ी उधेड़ दी, जो अमीर आया उसको सर आओ आओ इतने पैसे लगते हैं, थोड़े लगते हैं। बात समझ गए? परमदयाल जी महाराज ने एक बार बात बताई कि मैं फट्टी लेने गया बच्चों के लिए, फट्टी जानते थे ना, फट्टी लिखते थे, लकड़ी की फट्टी होती थी। तो सामने दुकान जो थी वो महाराज जी के वाकफ की थी, महाराज जी के आदमी की वाकफ की थी। तो पहले महाराज जी उसको मिले, फिर सामने दुकान फट्टियों वाला था, उसको कहते भाई अपने आदमी है थोड़े कम लगा लेना। महाराज जी ने बताया, कहते मैं गया फट्टी उसने दे दी तो उसने चार कान्ने छोड़ दिए। मैंने कहा भाई तुमने कहने पर छोड़े हैं, मैंने देंगे नहीं छोड़े, पूरे लेने पैसे, मैंने नहीं लेने। ये चलता है हमारे देश में। तो फिर हम कैसे कहते कि मैं धर्म को मानने वाला हूँ, मैं गुरु को मानने वाला हूँ, मैं भगवान को मानने वाला हूँ, मैं आरती करता हूँ, मैं पाठ भी करता हूँ, मैं ज्योत भी जलाता हूँ। जो मर्जी करो, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। दूसरी बात क्या पता चली मुझे, दूसरा ज्ञान क्या मिला, कि इस दुनिया में रहते हुए दो चीजें तुम्हारी मदद कर सकते हैं, एक तुम्हारा मन, एक तुम्हारी बुद्धि। मन विचार पैदा करता है, बुद्धि उस पर चिंतन करती है कि ये करो ये ना करो, ये करो ये ना करो, यही करता है ना। तो ज्ञान बुद्धि क्या है कि ऐ इंसान तू जो कुछ भी करता है उससे पहले ये सोच कि इस करने से किसी और का नुकसान तो नहीं होता, ये है ज्ञान। सभी अपना करते हैं, दूसरा मरे जहां मर्जी जाए, तुम्हारा काम होना चाहिए। डॉक्टर को ये है कि मरीज मरे ना मरे उसने अपने कमीशन लेनी लेनी है, उसने दवाई वो बतानी है जिसकी कीमत ज्यादा हो ताकि उसको भी कमीशन। मैं सच्ची बातें कर रहा हूं, मैंने देखा है ये सब कुछ, मैंने ये सब कुछ देखा है। और देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये दुनिया रहने के काबिल नहीं है। दूसरा क्या मिला मुझे कि ये दुनिया क्या है, सराय है, जाना है। तो जाना है तो वस्त्र साफ कर लो। क्या कहा मैंने, कौन सा वस्त्र? अंदर का वस्त्र, तुम्हारा मन, तुम्हारा अंतःकरण, उसको शुद्ध करो, नहीं तो तुम उदारी नहीं कर सकते, उदारी नहीं कर सकते, उदारी नहीं कर सकते। भजन करना तो एक तरफ रहा, तुम बैठ भी नहीं सकोगे। इसलिए संसार को सराय समझो, सराय समझो। मेरे पास कोई आए, बेटे ने मकान बनाया, मैं बहुत अच्छा बनाया जी, बहुत सुंदर है जी, बड़े मैंने कहा मेरा महल ये है, ये सराय है। वो मेरे मुंह की तरफ देखे, मेरा रहना ये है अबे कुमार, वो तो एक सुख है, वो एक सुख है, कुदरत ने दिया, बाहर का सुख कुदरत ने दिया, मेरे गुरु ने दिया, लेकिन असली सुख जो मेरे अंदर है। महल बना हो, रात को नींद नहीं आई,
पेट खराब है, दर्द हो रही है, कोई गलत काम कर लिया, नींद नहीं ले सकोगे, बताओ मेरी बात क्या कह रहा हूं आपको। करने नो दीदार महल में प्यारा है, ये कबीर साहब ने तभी तो इसको महल कहा कि ये महल है, बाकी महल तो तुम्हारे जितने मर्जी बनाओ वो किसी काम के नहीं है, वो तो जब तक तुम्हें सुख देते ठीक है, चलती दफा वो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, ये भी नहीं जाएगा, लेकिन इसके साथ अंदर जो रहता है वो जाएगा तुम्हारे साथ, वो उसको साफ करना है। क्या कहा मैंने, ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि संसार मनुमय है, संसार संकल्पमय है, और जहां रहनी तुम्हारी जिंदगी मन और बुद्धि बनाती है, इसका सदुपयोग करो, इसका दुरुपयोग ना करो, दुर्मति हटाओ, ईर्षा खत्म करो, द्वेष खत्म करो, बुराई खत्म करो, निर्मल होते जाओ, जितना निर्मल होते जाओगे, जितना हक हलाल की कमाई खाओगे, जितना सत्य बोलोगे तुम सत्य हो जाओगे। इसलिए कहा है सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जो अंदर से सच्चा है वो तो परवाह ही नहीं करता किसी बात की, वो कहता मेरा मालिक है। कहा ना इन्होंने कहा ना भक्तों की ओठ तो संता की टेक तो, तो तुम पहले भक्त तो बनो, बड़े भक्त फिर दे ऐसी, कोई कहना मैं बड़े फलां गुरु का शिष्य, कोई कहना मैं फलां, क्या कहूं मुझे दुख होता है अपने भाइयों पर, अपने बहनों पर, अपने माताओं पर, जब मैं उनकी कहानियां सुनता हूं मुझे दुख होता है कि ये कहां फंस गए हैं, ये कहां जा रहे हैं। ये एक दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, पढ़ो फिर वही लाइन, कर चल सतगुरु की है। चल सतगुरु की हाट है, ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजे सारे गुसे हैं परम पदे पाइए। तीसरी बात बताने लगा हूं आपको, वो मालिक के बारे में कहने लगा जिसको लोगों ने कई अनेक नाम दिए हैं, बहुत नाम दे दिए उसको जिसका कोई रूप नहीं है, बहुत नाम दे दिए जिसका कोई पता था नहीं है। गुरु नानक साहब ने लिखा है, पूरे शब्द नहीं मुझे आ रहे याद, कि तेरा देश वो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है जहां सब कुछ समा रहा है, वो कितना बड़ा देश होगा जहां सब कुछ समा रहा है, जहां से आया वही वापस जा रहा है। मालिक को दुनिया ने अपनी आय का साधन बनाया हुआ है, किसी ने उसको अल्लाह कहकर यूज किया, किसी ने उसको गॉड कहकर कहा है, किसी ने उसको परमेश्वर कह दिया, किसी ने उसको भगवान कह दिया, किया ना, कर रहे ना, है ना, कर रहे, नाम रखा है, लेकिन उसका तो रूप ही कोई नहीं है, उसका तो रूप ही कोई नहीं है, तो फिर भी हम धोखा खा रहे हैं, फिर कैसे मिलेगा वो जिसका रूप नहीं है, कैसे मिलेगा। परमदयाल जी महाराज की संगत में बैठकर पता चला कि वो तो तेरे अपने अंदर है, अंश रूप में तेरे अंदर है। कैसे, जैसे सूरज की किरण, सूरज की सूरज चमक रहा है, उसकी किरण धरती पर आ रही है, किरण के पीछे कौन है, सूरज। क्या कहा मैंने, हर किरण के पीछे सूरज खड़ा है, जब सूरज पीछे चला जाएगा किरण भी उसके साथ ही वापस चल जाएगी। बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं, उस मालिक के कुल की अंश तुम्हारे अंदर है, जैसे जैसे सूरज की किरण यहां धरती पर है, तो क्या तुम्हें विश्वास नहीं आता इस चीज को देखकर कि जो मेरे अंदर है वो मालिक की अंश है, तो मालिक इसका है, तो हम क्यों भटके फिरते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं कि भगवान वहां मिलेगा, हमारी इच्छा है वहां पर। अरे मेरे सुनने वालों,
तुम्हारी हर चीज को देने वाला माल के कुल तुम्हारे साथ है, वो हर वक्त तुम्हारा रक्षक है। तू भगतां दी ओट है और संतां दी तू भगतां दी तू टेक है संतां दी तू ओट है। मगर क्या तुम संत हो, सवाल ये पैदा होता है, क्या तुम संत हो, क्या तुम भक्त हो? भक्त वो होता है जो ठहर जाए, जो अपने इष्ट को लेकर बैठ जाए कि मेरा मालिक है। तुम तो कर्मकांडों में फंसे हुए हो, तुम तो धर्मों के नाम पर लड़ते हो, तुम मंदिरों के नाम पर लड़ते हो, तुम तीर्थ स्थानों के नाम पर लड़ते हो, तुम अपने आपस में लड़ते हो, तुम अपनी जायदादों के लिए लड़ते हो। तुम्हारे को क्या अधिकार है उसको प्राप्त करने का? तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। जहां मर्जी जाओ, जिस मर्जी तप को करो, कुछ नहीं मिलेगा। क्या कहा मैंने? इसलिए कबीर साहब का शब्द मुझे याद आता है, अशोक अगर याद है तो सुना दे। हम उनको इश्क मस्ताना, हम उनको दुनिया से जारी क्या, हम उनको दुनिया से क्या लेना है? जब दुनिया तुम्हारे साथ जाएगी नहीं, ये जगत जो तू देखता चले नहीं संग तेरे, क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। शरीर भी तुम्हारा नहीं जाएगा, मन भी तुम्हारा नहीं जाएगा, तुम्हारी आत्मा भी वहां नहीं जा सकती। वो जाएगा जो चौथे लोक का रहने वाला है। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत नाम सतगुरु गत चीना, वो तीनों से परे है शरीर मन। कभी आप वहां गए, कभी आप वहां गए? जब तक तुम मन में हो तुम उसको नहीं पा सकते। इसलिए कहा है मन को बेचे सतगुरु पास, तिस सेवक के कार्य रास। कौन सुनता है इन बाणियों को? पढ़ते हम जरूर हैं, गाते भी हैं, लेकिन हम अपना मन कभी उसको देते ही नहीं है। परमदयाल जी महाराज कहा करते थे, तुम लोग आते हो कभी ये लाते हो मेरे लिए, कभी वो, अपनी चिंता दे जाओ मुझे। क्या कहा महाराज ने? तुम चिंता भी नहीं छोड़ते। जब तुम्हें चिंता सतावे गुरु का तुमको ध्यान हो, कभी आता तुम्हें ध्यान? तुम तो फिर कुछ और सोचते हो, पंडित जी के पास जाते हो, जा किसी भजिए के पास जाते हो, जा किसी चेले के पास जाते हो, जाते हो कि नहीं? जबकि सब कुछ तुम्हारे अपने अंदर है। कभी बंद करो आंख, देखो तुम्हें पता लग जाएगा। क्या कहा मैंने? वो माल के कुल तुम्हारे मन द्वारा की गई पूजाओं से, तुम्हारे मन द्वारा किए गए यात्राओं से, तुम्हारे मन द्वारा की गए ये धर्म कांडों से, वो तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हो सकता है तुम्हारी मनोकामना थोड़ी बहुत पूरी हो जाए, लेकिन वो भी वही होगी जिनका तुम्हें पहले ही अलॉटमेंट हुई हुई है। लिखा ललाट टरे नहीं टारा, भावी को बेटनहारा। जो तुम्हें यहां लिखा हुआ है वो ही मिलेगा। मुझे बात याद आ गई, जो परमदयाल जी महाराज सुनाया करते थे, लाहौर की बात सुनाया करते थे मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज, हमारा विश्वास बैठाने के लिए कि तुम कहां भटकते फिरते हो, क्यों दौड़े फिरते हो कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। तीर्थ स्थानों पर जाते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, करो भाई, मन की खुशी प्राप्त मिल जाएगी, तुम्हें मन का सुख मिलेगा, आत्मिक सुख नहीं मिलेगा। हजूर ने फरमाया, उधर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मकबरा है, मजार है, जैसे हमारे भारत में अजमेर में है ना, अजमेर में मैंने देखा वो चिश्ती साहब का, बहुत दुनिया वहां जाती है, बहुत दुनिया वहां जाती है। मैं भी एज ए स्टूडेंट भी गया, एज ए प्रोफेसर भी गया बच्चों को साथ लेकर। तो वहां साल में एक मेला लगता था, जैसे हमारे बैसाखी का लगेगा, 3 दिन का लगेगा ना। तो उस मेले में बड़े बड़े कवाल, कवाल जानते हैं ना, जो सूफी गाते, सिर्फ सूफी गाना उस मालिक की सिफ्त करते हैं, वो आया करते थे वहाँ और वो गाते थे, दुनिया आनंद लेती थी उनके गाने का, सूफी गाना। कभी आपने कवाली सुनी हो तो पता लगेगा। वो झूम झूम कर गाते हैं। तो वहां एक लड़की थी, बहुत नेक लड़की थी, वो भी उस पीर को मानती थी।
उसने वहां के जो संत बैठे थे गद्दी पर उनको कहा, महाराज मैं भी कुछ पीर की सेवा में कहना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। दिल का जज्बा होता है ना, दिल का जज्बा होता है गाने के लिए। तो उसने अपने जज्बे में आकर उस पीर को अपना इष्ट माना हुआ था, अपना आधार माना हुआ था, टेक माना हुआ था। अब उसकी टेक थी वो, उनका वो सहारा था। उसने बहुत मस्ती से गाया तो वो संत जो वहां बैठा था बहुत खुश हुआ। कवालियों से भी सो खुश हुआ होगा शायद, लेकिन उस लड़के के गाने से वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। आहा बेटी, मेरे आंखों में आंसू आ गए आपकी बात सुनकर, आप बहुत प्रिय हैं इस महापुरुष का, आप पर बड़ी दया है, मैं बहुत खुश हूँ, मांगो क्या मांगती हो आप, मांगो क्या मांगती हो। ये उन्होंने उस लड़की को कहा। उसने हाथ जोड़े कहा, महाराज पीर जी ने मुझे पहले ही बहुत कुछ दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस साधु ने, उस जो संत वहां बैठे, उसने फिर कहा कि बेटी मांगो, मैं बहुत खुश हूं, मांग लो कुछ मांग लो। जब तीन दफा कहा तो उस बेटी ने ये कहा, सुनो ध्यान से, कि महाराज जी अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे वो दे दो जो मेरी किस्मत में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कही कि मुझे उस चीज को अभी दे दो, वक्त से पहले दे दो, जो 10 महीने के बाद मिलनी वो आज दे दो, जो तीसरे दिन मिलनी वो आज दे दो, वक्त से पहले, और वो दे दो जो मेरी किस्मत में नहीं है। तो वो साधु बात सुनकर, परमदयाल जी महाराज का ये वचन है जो मैं तुम्हें रिपीट कर रहा हूँ, तुम्हें ठहराने के लिए, तुम्हें एक जगह पर ठहराने के लिए। तो वो संत उठे और कमरे में चले गए, कमरे में गए, 5 मिनट के बाद मुंह काला करके बाहर आ गए, मुंह काला, हाथ जोड़ दिए, बेटा मैं अभिमान में आ गया था, मेरे को अहम आ गया था कि मेरे में बड़ी शक्ति है, मैं ये कर सकता हूं, मेरे बस में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो लिखा है वो ही मिलेगा, मैं आपसे माफी चाहता हूं। बात मेरी समझ गए? तो जब जो लिखा है वो ही मिलना है तो फिर मांगे क्यों? क्या बात कही मैंने, तो फिर क्यों ये करते फिरते हो, ये वहां से मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा, कहीं से कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलना तुम्हारे विश्वास का फल मिलेगा, तुम्हारे कर्म का फल मिलेगा। ये तीसरी बात मैंने आपको सुना दी है। इसलिए जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए अपने कर्म को ठीक करो। हमारा कर्म ठीक है तो जिंदगी ठीक है, कर्म ठीक है तो तुम्हें वहां भी जगह मिल जाएगी, कर्म ठीक है तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी ने 1981 में चोला छोड़ने से पहले मानवता मंदिर को एक चिट्ठी लिखी हुई है जो 1982 में छपी मानवता मंदिर में, कि ऐ इंसान इससे बड़ी बात कोई नहीं कह सकता, माई का लाल, कोई माई का लाल नहीं कह सकता इस बात को। एक फकीर था जिसके पास ये शक्ति थी, उसने कह दिया, ऐ इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप, मगर अपनी नियत और अपने कर्म को ठीक कर ले, देखो कितनी बड़ी बात है। तुम दौड़े फिरते हो भजन करने के लिए, दौड़े फिरते हो, उंगलियां डालकर बैठ जाते हो, तुम्हें ज्ञान तो मिला नहीं, तुम्हें मन से आगे जाने का तो पता नहीं, तुम 5 नाम में फंसे, कोई 7 नाम में फंसा है, कोई 10 नाम में फंसा है, कोई पूजा में फंसा है, कोई कहीं फंसा, किस किस का रोना रोया जाए, अपना ही रोना रो लो, दुनिया तो वैसे ही रहेगी जैसी है। इसलिए संत होक्का देते हैं और होक्का दे के चले जाते हैं, माओ खसम खाओ जो करना, यही तो बाबा फकीर कहते थे, मानो ना मानो हवा खाओ, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी। क्या कहा मैंने, तो क्या बात मैंने आपको कही है। उसको पाना चाहते हो अपना कर्म ठीक करो, उसको पाना चाहते हो अपनी नियत ठीक करो, वो तो तुम्हारे से दूर है ही नहीं, वो तुम्हारे से दूर कहां है,
तुम्हारे तो अंदर है, बाहर कहाँ है? मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं, फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं आता, फिर भी तुम दौड़े फिरते हो। दाता दयाल कहते घट में दर्शन पाओगे, संदेह इसमें कुछ नहीं, मैं तो हूं घट में तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं, मुझे वहीं ढूंढो। और परमदयाल जी महाराज ने 1959 में यहाँ लिख के लगा हुआ था, उठा दिया तुम लोगों ने, वो उठा दिया। एक फोटो लगी हुई थी महाराज जी की यहाँ, उस पर लिखा हुआ है, लेकिन मेरे पास वो है क्योंकि वो मेरे लिए है। वो मेरे लिए है, दुनिया ने उसको समझा नहीं, मैं संभाल के रखी हुई है। क्या कहा उसने महाराज ने, उस पर क्या लिखा हुआ है, इतनी बड़ा आशीर्वाद सुनो। सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर, ये नहीं कहा कि आ जाओ मेरे पास मत्था टेको। सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर, खुश रहो बासेहत रहो और अमीर, तीनों चीजें हेल्थ वेल्थ एंड पीस। सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर, खुश रहो बासेहत रहो और अमीर। और अगली लाइन, दिल में रहे क्या तुम्हारे, दिल में रहे एक आस और विश्वास, दूजी नहीं, सिर्फ एक आस। किसकी? माल के कुल की, मेरा वो है। एक विश्वास मेरा वो है, तुद बिन अवर्ण को मेरे सतगुरा, तुद बिन वेरा को। ये शब्द है, वो ही है मेरा, दूसरा हो नहीं सकता। और वो जो मेरा है मेरे से अलग नहीं है। क्या कहा मैंने, बिछड़े जो हैं अपने प्यारे से, भटकते दर्द बदल फिरते। कबीर साहब कहते हैं जो बिछड़े हैं प्यारे से, भटकते दर्द बदल फिरते, हमारा यार है हम में, हमर को इंतजारी क्या। किसकी इंतजारी करनी है, किसके लिए भटकते फिरना है, कहाँ है वो? कोई एक कहा करते थे, दिल में है यार तस्वीर यार, जरा गर्दन झुकाई तो देख लिया। मैं कह गलत है, गलत है, दिल में यहां कहां हो सकता है वो, यहां नहीं है, मस्तक में है तस्वीर यार, जरा पलक झुकाई और पुतली घुमाई तो देख लिया। क्या कहा मैंने, तुम कहां भटके फिरते हो, वो है तुम्हारे पास है। इसलिए दाता दयाल जी महाराज ने बाबा फकीर जी महाराज को लिखा हुआ, गुरु तो तेरे पास फकीरा, गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में तेरे मन में तेरे श्वासों श्वास। जब मुझे परमदयाल जी महाराज ने, वहां मैं बैठा हुआ था जहां बेटी बैठी है सामने बिल्कुल होता, इसको मुंह इधर को है, मेरा मुंह उनकी तरफ ही होता था, मैं नहीं इधर उनको बैठता था, सामने यार को देखो अपनी आंखों के साथ और वो यहाँ उतार लो। बच्चा जैसे माँ को पहचान लेता है ना, जो छोटा बच्चा होता है गोद में किसको पहचानता है सबसे पहले, अपनी माँ को, माँ को पहचानता है। कोई और औरत आ जाए वो रोने लग जाता है, माँ आ जाए वो नहीं रोता ना। ऐसे हो कर रहो जरा तो देखो तुम्हें गुरु कहाँ है। मैं क्या बताऊँ आपको, गुरु की रहमत के बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। वो बहुत मेहरबान है, वो बहुत दयालु है, जितने मर्जी शब्द मैं कह लूं फिर भी मेरी इच्छा पूरी नहीं होती है। वो इतना दयालु है, ऐसे रखता है जैसे माँ बच्चे को गोद में रखती है, लेकिन तुम तो उसकी गोद में बैठते ही नहीं हो, तुम तो इधर उधर भटके हुए हो। इसलिए तो कह दिया कबीर साहब ने, अमन को इश्क बसता ना अमर को, पहले जो इस रास्ते पर चलता है वो दुनिया को देखना बंद करे। क्या कहा मैंने, पग जी महाराज थे यहाँ, पग जी महाराज आप लोगों ने दर्शन किए होंगे, कहते सबसे पहले मैंने उनके गुरु और थे पहले, सबसे पहले वहाँ उन्होंने चोला छोड़ दिया तो वो यहाँ आए। कहते उन्होंने कहा मुंशी राम अगर मेरे रास्ते पर चलना है तो सबसे पहले अखबार पढ़ना बंद करो। टीवी तो होती नहीं थी, अखबार में क्या रखा है, दुनिया क्या लेना अखबार से। मैंने तो उसी वक्त बंद कर दी, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ने को, क्या करना उसको अखबार में, क्या दुनिया के रोना और क्या है, टीवी में भी क्या है, वो भी रोना और क्या है।
और हमारे बच्चों को मिसगाइड करते हैं सब लोग, क्या कहा ना दे, इसलिए क्या कहा, फिर पढ़ो यही लाइन माता दयाल की, कबीर साहब की पढ़ो क्या है? चल सते गुरु की हाट है ज्ञान बुद्धि लाइए, कीजे सारे गुसे परम पद पाइए। दूसरी बात कह दी उन्होंने कि गुरु की हाट पर गए और तुम्हें ज्ञान मिला, तुम्हारी बुद्धि को ज्ञान मिला, क्या मिला कि वो जो मालिक कुल है जिसकी हम अंश हैं वो कहाँ रहता है, ये पहली बात पता लगी। मैंने कहा, कहते कहते मैं रुक गया, दिल में रहे एक आस और विश्वास, फिर किस बात का, तेरे अंतर है द परमदयाल जी महाराज, तेरे अंतर है हर वक्त जाते फकीर। अब बताओ मैं कहाँ ढूंढने जाऊं, इसीलिए तो मैं कह दिया करता हूं मेरे घट में परम दयाल, नहीं कहाँ ढूंढने जाऊं, मैं कहाँ ढूंढू, मेरे पास है, मेरे अंदर है, वही बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, वही कह रहे हैं जो कह रहे हैं, उन्हीं का ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं। गुरु क्या है, ज्ञान है, गुरु क्या है, समझ है, गुरु क्या है, विवेक है, गुरु क्या है, अनुभव है, वही तो आपको बता रहा हूं। तुम मूर्ति को लेकर बैठ गए, तुमने मनुष्य जान लिया गुरु को, और फिर उसके लिए दौड़े फिरते हो, ये करते हो। मैं आपके प्यार की कदर करता हूँ माता, मैं आपके प्यार की कदर करता हूँ, मेरे लिए स्वेटर लेकर आए हैं, सिर पर टोपी बनाकर लाए हैं, ये बनाते होंगे तो इनके मन में क्या होगा ख्याल, मैं उसको महसूस करता हूँ, बात मेरी समझ गए हो। तो अब क्या कहते हैं अगे? आगे अगली लाइन में क्या कहते हैं, तो वहां पहुंचाना चाहता हूं मैं। सतगुरु सब कुछ दीने, दूसरी लाइन कीजे साहेब से परम पद पाइए। अब समझ हाथ से ले ली, हट्टी पर गए तो अधे मतलब का सौदा मिल गया, फिर उसनु संभालो। वो क्या कहा, कर साहिब से हेत परम पद पाइए। फिर कबीर साहब कहते हैं जब ज्ञान हो गया कि वो तुम्हारे अपने अंदर है, तुम्हारा साहब तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा मालिक तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे मन का, तुम्हारी आत्मा का तुम्हारे अंदर है, तो उससे हेत कर ले, फिर तुम्हें परम पद मिलेगा। परम पद होता है सबसे ऊंचा, वो सतगुरु का दरबार है, ये है। क्या कहा, फिर पढ़ो आगे, पढ़ते जाओ। सतगुरु सब कुछ दीन है, देते कछु न रहे हो। वो सब कुछ देता है तुम्हें, सबसे बड़ी बात तो उसने ये दी कि तुम्हें एक निरोग शरीर दिया, पहली बात, सबसे बड़ी देन उस मालिक की 9 महीने में ये शरीर उसने माँ के गर्भ में तैयार किया। कोई माई का लाल कर सकता है, तुमने किया खुद, अपने आप को पूछो। जब से मेरे सतगुरु ने मुझे आदेश दिया कि बच्चा मन की किताब पढ़ना है, तो मन की किताब से ये मिला ज्ञान, अनुभव और सब कुछ मिला, समझ लगी क्या कि वो साहब जिससे मैंने प्यार करना है वो तो मेरे अपने अंदर है, उससे हेत कर, उसने तुम्हें बनाया, बना के फिर तुम्हें उसके भी, जैसे जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, मैं कई दफा कह चुका हूँ, कुम्हार भी बर्तन खास बनाता है, दूध के लिए अलग, दही के लिए अलग बनाता है कि नहीं? अब तो काम खत्म हो गया कुम्हारों का, अब तो स्टील आ गई, लेकिन वो भी तो किसी खास मकसद के लिए बनी, कुकर बना, हांडी खत्म हो गई, सब्जी के लिए बना, उसमें आप सब्जी नहीं बना सकते, दाल बनाते हो, सब्जी के लिए तुम्हें फिर कढ़ाई यूज करनी पड़ेगी। क्या कहा मैंने, सब्जी के लिए कढ़ाई करते हो कि नहीं? भिंडी को बनाओ तो जरा अपने उसमें कुकर में बना के देखो, बन जाएगी। भिंडी के लिए और चीज है, बैंगन के लिए और चीज है, राजमा दाल के लिए और चीज है, ऐसे ही तुम्हारे लिए भी जो शरीर तुम्हारा बना है, तुम यूं ही नहीं बाबा फकीर के पास आए हुए हो, तुम्हें खास मकसद के लिए यहाँ भेजा गया है,
तुम्हारी कमियां दूर करने के लिए तुम्हें यहां भेजा गया है, तुम्हें वो फल देने के लिए भेजा गया है जो तुम्हारे अंदर बैठा उसको चाहिए, वो दिया जा रहा है। वो कहां है तुम्हारे अंदर? तो कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु ने तो तुम्हें पहले ही सजा कर भेजा है, तुम्हें सब कुछ दिया हुआ है, तुम्हें भूले हुए हो। फिर पढ़ो यही लाइन, पढ़ो मेरी बात को। सब कुछ दीन देते का चुना रहे हो, कुछ भी नहीं लेने दिया, अच्छी आंखें दी, अच्छा चेहरा दिया, अच्छा शरीर दिया, निरोगा शरीर दिया आपको, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, फिर आपको इसमें बिठाया। आगे पढ़ो। हम ही अभागिनी नारी सुख तज दुख लहो, लेकिन हमने नहीं परवाह की। कितना कह रहे कबीर साहब के हमने सुख को छोड़ दिया, दुख को पल्ले लगाया हुआ है। हाय जे नहीं मिला, हाय वो नहीं मिला, मिला हुआ है सब कुछ आपको। वक्त की चाल को देखा करो, तुम्हारी इच्छा अपने आप पूरी हो जाएगी। Where there is demand, there is supply. जहां मांग है सच्ची मांग होनी चाहिए, ये नहीं कि उसका बिगड़ जाए तो मेरा ठीक हो जाए, फिर तुम्हारा पहले बिगड़ेगा। सबका भला मांगो, सबका अच्छा मानो, सबके लिए अच्छा कहो, जो भी कहना है, तुम्हारे काम भी अपने आप होते जाएंगे। क्या कहा मैंने? तो कहते सुख छोड़कर तुमने दुख पल्ले पा लिया, फिर उस दुख को दूर करने के लिए किधर जाते हो? दुख नहीं दिया मालिक ने हमें, उसने कोई दुख नहीं दिया हमें, उसने कोई चिंता नहीं दी हमें, उसने हर चीज लिख के दी हुई है, लिख के एक एक दाने पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। क्या कहा मैंने? गुरु नानक साहब ने तभी तो कहा नथ खसमात रिज़्क के तके दे, जहां दाना तहां खाना, नानका सच ए, हर दाने पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, तुम्हारी तो अलॉटमेंट हुई हुई है, जब वक्त आ जाएगा तुम खा ही नहीं सकोगे, यही कि यही रह जाएगी और तुम उड़ जाओगे। क्या कहा मैंने? हम क्यों चिंता करते, किस बात की चिंता करते हो? इसलिए दाता फिर कहते हैं चिंता छोड़ है इंसान। परमदयाल जी महाराज भी यही करते कहा करते थे, बच्चा चिंता नहीं करनी, मैं तो करता ही नहीं मैं तो मुझे तो पता लग गया चिंता चह के रखे है एमी रात उठ कर बुट मारी जानी करिए हाय नहीं हुआ। खूब सो आनंद से सो, दाता ने बोल दिया सुबह शाम राम नाम, दिल को काम रात को राम राम, जपना जपो नहीं तोड़ी मर्जी ना जपो, वो तुहानू आपे जप रहा। और तभी तो कबीर साहब ने कह दिया माला फेरू ना हर भजू, मुख से कहूं ना राम। पकड़ो क्या कहते हैं कबीर साहब, माला फेरू न हर भजू, मुख से कहूं ना राम, मेरा राम मुझे भजे तब पाऊं विश्राम। लो मसला हल कर लिया, मेरा राम मुझे भजे तब पाऊं विश्राम। ओ जिन्हों तुसी हक्का मार दे ओ तुहानू हक्का मारदा जिसको आप आवाज देते हो वो तुम्हें भी आवाज देता है। तेरा सुनने की कोशिश करो बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेरे सतगुरु का दरबार है, यहाँ सत्य ही सत्य ही सत्य कहा जाता है, आपको कहीं भी भ्रम में नहीं रखा जाता, कोई भ्रम नहीं है। आगे पढ़ो। गई पिया के महल पिया संग ना रची, वो कबीर साहब कहते पिया के महल में तो गई लेकिन पिया को नहीं पहचाना। वाह कबीर साहब तुम्हें कौन समझे, ये महल है इसमें तुम बैठे हो लेकिन तुमने अपने आप को जाना। पढ़ो फिर वही लाइन। गई पिया के महल पिया संग न रची, उन्हें नाल तो मिली नहीं, फिर क्या हुआ? आगे चलो। हृदय तपक रहो छाए मान लज्जा भरी, हृदय में कपट रहा क्यों बाहर रहा? वो वहां है, वो वहां है, वो उस मूर्ति में है, वो उस मूर्ति में है। तभी तो संतों ने कह दिया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
कहीं किसी राम का या किसी कृष्ण का नाम है? बोलो मैं देखो, बताओ, बुरा मानो चाहे अच्छा मानो, कहीं है किसी का नाम अवतार का? गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं उसी को सिर झुकाता हूँ और किसी को नहीं झुकाता, गुरु को झुकाता हूँ। और गुरु तुम्हारे अपने अंदर है, ज्ञान रूप में बैठा है, तुम्हें समझाता है वो, तुम उसकी आवाज नहीं सुनते, नहीं सुनते तुम लोग, नहीं सुनते हो तुम, मन की सुनते हो, आंखों की बात को मानते हो, कान की बात को मानते हो, जो मन के लेवल की बातें हैं वो अंदर है। वो क्या कहते हैं, आगे पढ़ो। कहते हैं, समझा रहे हैं हमें कि उस रास्ते पर फिसलन है, तिलकन तिलकन जान दिया, पैर नहीं रख हुंदा, पढ़ पढ़ फिर पढ़ रहे इसी लाइन को, जावा गैल सिलहली चढ़ो गिरी गिरी पड़ो। कहते हो वहां उसको मिलने के लिए ना रास्ता जो है उसमें तिलकन है, पैर फिसल जाता है, तो क्या करो आगे, उठाओ समारी समारी चरण आगे धरो। आगे के आगे चलते चलो, कभी चींटी की चाल चलो, कभी मछली की चाल चलो, कभी गिरिट, कभी कपी होता है बंदर की चाल चलो, तुम अंदर अपने चलते जाओ, यहाँ गिरोगे कोई बात नहीं, यहाँ साधन किया, फिर जहाँ गए फिर जहाँ गए फिर जहाँ गए फिर जहाँ गए, चलते तो चलो तो सही, अंदर तो आप जाते हैं, आप तो यही बैठे हो, कोई पांच नाम में फंसा हुआ है, कोई सात नाम में फंसा हुआ है, अरे उसका नाम एक है और तुम्हारा मन भी एक है, एक मन में एक इष्ट होना चाहिए, उसके बगैर नहीं काम चलेगा। तुम्हारा मन पांच इष्ट नहीं बना सकता, मतलब उनका पांच नाम का महत्व है, यदि मैं कहता वो महत्व है, किस किस चीज का महत्व है, जिन्होंने दुनिया का काम करना है, जिन्होंने मन को एकाग्र करना है, जिनको विवेक लेना है, जिनको मस्ती लेनी है, जिनको आनंद लेना है, उनके लिए है, शांति नहीं मिलेगी। पांच नाम जपने वाले को परमानेंट शांति नहीं मिल सकती, मैं गारंटी से कहता हूँ, चाहे वह पांच नाम वाले मुझे गालियाँ दे, पांच नाम तुम्हें वहां नहीं पहुंचाएगा, तुम्हारी दुनिया ठीक करेगा, बशर्ते के तुम्हारा मन ठीक है। जब तुम्हारा मन ही ठीक नहीं है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, एक डेरे वाला दूसरे डेरे वाले को देख के पसंद नहीं करता, एक गुरु के चेले आपस में इकट्ठे बैठते, एक गुरु के चेले दूसरे गुरु के चेले को नफरत करते हैं, ना राम राम नहीं करते, तो कैसे तरोगे भाई? तुम सात राम जप लो, तुम्हारे में तो गैरियत है, तुम्हारे में तो नफरत है, तुम्हें तो प्यार ही नहीं है, तुम्हें ये पता नहीं कि गुरु कहते किसको हैं, किसी ने किसी को गुरु बना लिया, किसी ने किसी को बना लिया, तो अबे पल्ले कुछ भी नहीं पिया, जैसे थे उससे भी गिर गए। मुझे आते हैं फोन लोग कि मैं जानता हूँ उनकी हालत क्या है, और मुझे दुख होता है कि कहाँ फंस गए तुम, इतने अच्छे बच्चे बन के तुम कहाँ फंस गए, क्यों भूल गए हो तुम, बात समझ गए मेरी? तो दांत क्या कहते हैं कबीर, चलो सही अंदर अंदर चलो, कहता है गिरो कोई बात नहीं, जो गिरेगा वो ही चलेगा, जो चलेगा वो ही गिरेगा, जो चलेगा नहीं वो गिरेगा क्या, पहले बैठ गया वो तो, चलो अंदर चलो अपने, अंदर चलो अपने, तुम उल्टे चलो समान नीचे क्यों रहना, यहाँ से ऊपर चला करो, दो मिनट के लिए चलो, आधा मिनट के लिए चलो, आंखें बंद करो, जरा झलक देखो तुम्हें पता लग जाएगा तुम कौन हो, आगे चलो। जो पिया मिलन की चाह कौन तेरो राज है, तुम्हें ये जज्बा है कि मैंने अपने आप को मिलना है, तो दुनिया की परवाह मत करो, लाज मत करो, लाज होती शर्म, कि दुनिया की कहेगी लाज मंदिर नहीं जाता है, तो कहे भाई मैं क्या, मेरे नाल मंदिर घर दे को दो मंदिर बड़े बड़े बनाते, उतो मूर्तियां भी बड़ी लिया के रख दी, इन्होंने की कर दिता, कि जोड़ी खड़ी की आदमी बंदे की खड़ी की, पत्थर रखे है,
किते गेट दे उत्ते कुछ होर रख्या नहीं ओ की बन गया भाई काला काला कहंदे ओ क्या शनि शनि का ग्रह आ गया लै दस करो मत्था टेकी जाओ ना ते मूर्तियां बेचारी तुरियां कुड़ी जनानियां मैं इधर चल कमंडल फड़े हुआ फल्ज फड़े हुआ चली है मैं क्या करे माताएं कहाँ जाए उनको संस्कार ही ऐसा दे दिया कि यही सब कुछ है नौजवान वो भी तुरे हुआ स्कूटरों पर आ जाते हैं कहीं मुझे तरस आता है इनको कोई बताए तो सही कहा मगर जिन्होंने बताया वो कहते साड़ी रोटी खराब हो जाएगी मैं कहीं गया आपको मैं एक बात बताता हूँ एक जगह है हमारे इधर हिमाचल में तो वहाँ एक पानी का चबच्चा बना हुआ है पानी का ऊपर पहाड़ ऐसे काट कर बनाया हुआ है तो वहाँ वो पंडित जी बैठे हैं इनकी जगह बनाई उसने तो लोग जाते हैं ऐसे इधर बैठ जाएगा एक एक करके बैठेगा वो क्या करेगा धूप जलाएगा फिर इंतजार करेगा फिर पूछेगा बच्चा तेरा नाम क्या है वो फिर पूजा रखा लेगा फिर वो धूप ऐसे करेगा तो वह फड़क होती है ऐसे एकदम मैं देखता रहा मेरे साथ गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे थे मैं कहा पंडित जी हूँ मैं तुहाड़ी तो पूजा करनी है मैं उन्होंने कहा पंडित जी मैं तुहाड़ी तो पूजा करनी है ये धूप भी मैनू दे दौ तो यह मैं माचिस भी दे दौ वो गल समझ गया उन्हें मेरा एक हथ ना इतना पैर फा गया बाबू जी मेरी रोटी का सवाल है वहाँ गैस है गैस के अंदर आप ऐसे करोगे अग्नि को तो वो पड़ाका होगा ना मैं लोग कहते ले जी साड़ी तो उत्थे मन जड़ी हो गई साडा तो प्रसाद बंद हो गया साड़ी तो आरती पूरी हो गई ये है और कुछ भी नहीं और हम मूर्ख बने हुए हैं मैं गया पूना बच्चे मेरे साथ थे स्टूडेंट्स ऐसे कॉलेज प्रोफेसर जाते हैं ना बाहर तो पता लगा कि वहाँ ऊपर बड़ा भारी मंदिर है शिव जी महाराज का चढ़ाइया चढ़ गए जवान थे ना उस वक्त वहाँ पहुँच गए तो पंडित जी बैठे बड़े खुश हुए देख के लाओ जी हम तो रोटी मिल जानी भी 25 बंदे जान तो 2-2 रुपए भी चलान तो फिर बन गई ना कि दिहाड़ी बच्चों ने मत्था टेकया चले गए मैं कहा पंडित जी मैनू हूँ गल दसना एक तुसी सच्ची गल दसना यह जिहड़ा पत्थर है की है कित्थों आया इनू की कहिंदे आ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਹਮੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਮ ਤੋਂ ਬਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਕੋ ਕਿਸ ਰੂਪ ਮੇਂ ਮਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ जो जिसकी ड्यूटी क्या है भगवान शिव की ड्यूटी क्या है शास्त्रों के मुताबिक श्रृंगार करना ब्रह्म की ड्यूटी उत्पत्ति है विष्णु की स्थिति बनाई है कि वो पालन करता है तो भगवान शिव तो कत्लेआम करता है कल्याण करता है फिर हम किस चीज की पूजा करें बताओ इसलिए मैं डर गया कि ये नहीं बेड़ा पार करेंगे ये खुद बंधन में है कह दिया कबीर साहब ने ब्रह्मा विष्णु महेश इनके सिर लगी काई अनकड़िया देवा कौन करे तेरी सेवा तेनु कड़िया किसी ने नहीं तो तेरी सेवा कौन करे घड़े देव को सबको ही पूजे नीति ही लाइन मेवा ये जड़ी मूर्ति बना के रख ली है एदी सारे पूजा कर दे तेरी पूजा कौन कर दा तेरी तो रूप ही कोई नहीं है वो किसकी वो किसका है भगता की ओट तू भगता की टेक तू संता की ओट तू तू सृजनहारा तू ही सब कुछ करने वाला है तो फिर हम उसको क्यों ना माने हम एक प्यो को क्यों ना माने चाचिया की पूजा कर ले करे मासियां की क्यों पूजा करे है ना चाचे मासियां के पिछे क्यों दौड़े फिरे और बापू नू फड़ लाओ सारे आपे ही आ जाएंगे उत्थे सारे चाचियां भी आ जांदियां मासियां ब्याह च आंदियां कि नहीं आंदियां सारे आ जांदे आ किसके घर में पिता के घर में बहनें भी आएंगी उनके बच्चे भी आएंगे सारे आएंगे मेरे रिश्तेदार सारे आए नहीं दादे दे पोते दा ब्याह आ क्या कहा मैंने अशोक मैं सच्ची सच्ची बातें करता हूँ सभी आए क्यों क्योंकि मैं वहां बैठा हूँ
इसलिए वो वहां बैठा है, तुम्हें बाकियों को क्यों मानूं, उसी को मानूंगा, किसी उसको जो जे कबीर साहब कहते, बोलो। गई पिया के मारे पिया संग नरकी, हृदय कपट रहो छाए मान लज्जा भरी। लज्जा में फंस जाते हैं, मान में फंस जाते हैं, हम धन में फंस जाते हैं, हम दुनिया में फंस जाते हैं, हम उसको भूल ही जाते हैं। उसको मत भूलो भाई, वो है क्या है, उसका अनुभव खुद करो, वो तुम्हारे अपने घट में बैठा है और वो ही तुम्हें उसके साथ मिला सकता है, दूसरा कोई मिला नहीं सकता। कोई पूजा पाठ तुम्हें उसके साथ नहीं मिलाएगी, कोई जंतर मंत्र तुम्हें उसके साथ नहीं मिलाएगा, वो तुम्हारे अंदर उसकी जो अंश है, अंश ही वंश में जाएगी, मन नहीं जाएगा। अंश ही वंश में जाकर मिलती है, तुम्हारा शरीर वहां नहीं जाएगा। अंश ही वो जो अंश तुम्हारे अंदर, जिसको सुरत कहा गया है, जिसका नाम सुरत है, जिसका नाम होश है, जिसको कॉन्शियसनेस अंग्रेजी में कहते हैं, वो शरीर मन और आत्मा का मालिक है। उस अगर वो नहीं शरीर में तो तुम कुछ भी नहीं हो, क्या कहा मैंने, इसलिए उसको ढूंढो। वो कहते तुम किस चक्र में पड़े हुए हो, पढ़ो फिर यही लाइन। जो पिया मिलन की चाह कौन तेरो लाज है, अगर मिलो किन जाए भला दिन आज है। तुम्हें किस बात की लाज, आज ही अच्छा दिन है, तुम मिलना चाहते तो आज ही मिल लो उसको, कब, जब ताजा ना, अब माहौल बना हुआ है, अब माहौल बना हुआ है, लोहा गर्म है, शब्द की चोट लग रही है, इसको पकड़ लो और शाम तक तुम्हें उसका ज्ञान हो जाएगा। चिंतन करो, अपने आप का चिंतन करो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, यही तो मेरा प्रश्न था गुरु के पास जाने का। मेरे सारे सवाल हल हो गए, परमदयाल जी महाराज ने सिर पर हाथ रखा और सब कुछ साफ कर दिया। यही तो कह रहे हैं कबीर साहब जी, कहते हैं कहाँ भटके फिरते हो, गुरु की दुकान से मिलता क्या है, ज्ञान विवेक, तुम्हारी समझ बदलती है, तुम्हारे ख्याल बदलते हैं, बिशर्ते कि तुम बदलना चाहते हो। अगर तुम ही नहीं बदलना चाहते तो गुरु क्या करे, क्या कहा मैंने, गुरु कुछ नहीं कर सकता। जब तुम बदलने के लिए तैयार होगे तो गुरु का शब्द की चोट तुम्हें बदल देगी, तुम्हें रास्ता साफ हो जाएगा, क्या कहा मैंने, पढ़ो फिर वो ही बात। जो पिया मिलन की चाह कौन तेरो लाज है। हमें उलाना दे रहे हैं, ताना दे रहे हैं कबीर साहब कि यह भला दिन है, आज का दिन, आज जो सांस ले रहे हैं ये उसकी कृपा से ले रहे हैं, ना जाने का बंद हो जाए, क्या कहा मैंने। गुरु नानक साहब की बात मुझे कभी कभी बड़ी याद आती है। गुरु नानक साहब बाला मर्दाना एक दिन बैठे हैं आपस में, प्यार सी नहीं जिदा सी भी बाबा जी को बैठी दा सी, मास्टर मोहन लाल बैठता हुंदा सी, नारायण दास जी बैठता सीगा, तो कभी कभी गोपाल दास भी बैठ जाता था, वैसे तो दौड़ा रहता था कभी तो ऐसे ही एक दिन बाला जी पूछते महाराज, गुरु नानक ने पूछा, बाला तुम मेरे साथ चले हुए हो, इतने देर से चलते हो, तुम बता सकते हो कि जब आखिरी समय आएगा तुम कितने सांस ले सकते हो, मेरी संगत में रहते हो, कुछ रोक लोगे, कुछ सांस अपने कुछ सांस रोक लोगे थोड़ी देर, कितने ले लोगे मेरे होते हुए। वो कहते महाराज इतनी देर हो गई हम आपकी सेवा में हैं, 10 के सांस तो मैं ले ही लूंगा, छी छोड़ने से पहले 10 सांस मैं गारंटी करता हूँ कि ले लूंगा। फिर मुर्दाना जी से पूछा, कहता महाराज 10 तो मैं नहीं कहता, मैं तो दीन है थोड़ा, मैं हो सकता 5 के ले लूंगा। चलो गल खत्म हुई। हूँ दोनों ही पूछते गुरु नानक साहब जी, बाबा जी तुसी सानू तो पूछ लिया, तुसी अपने बारे भी कोई गल करो, तुसी किन्ने के ले लोगे बाबा जी, तुसी तो सब कुछ जान हो। कहते मेरे प्यारे हो, मैं तो इन्ना कह सकता कि ए मैं कुछ खान लगा, पता नहीं मैं खा भी सकूंगा कि नहीं,
जेड़ा सांस आ गया वो पता नहीं वापस आएगा कि नहीं बच्चों, मेरी तो कोई गारंटी नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि ये सांस वापस आएगा कि नहीं आएगा। क्या कहा मैं, संत उस हर सांस में उसको याद रखते हैं, हर सांस उसी के लिए है। इसलिए कहा तेरे तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे सांसों श्वास, तो वो सांस लेने वाला कौन है अपने आप को पूछो। तुम अपने आप को पूछो तुम्हारा सांस कौन ले रहा है। तुम सो जाते हो फिर भी तुम्हारा सांस चल रहा है, तुम गुस्से में होते हो तो सांस की चाल और हो जाती है, तुम प्यार में होते हो तो सांस की चाल और हो जाती है, तुम पत्नी के पास बैठते हो सांस की चाल और होती है, तुम बच्चों में बैठते हो सांस की चाल और होती है। कभी उसको पहचाना। मैंने बहुत ऊंची बात कह दी आपको, वो तो तुम्हारे साथ है मगर तुम उसको ही जान नहीं लेने देते, क्रोध करते हो और फिर हा 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 करते हो, सांस चढ़ता कि नहीं चढ़ता, उसको भी दुखी करते हो, खुद भी दुखी होते हो और दूसरों को भी दुखी करते हो। तुम प्यार से बोलो तो कितना तुम्हारा मन भी शांत रहेगा, दूसरे का मन भी। रहना सीखो जिन प्रेम की हो तिन ही प्रभ पायो। कहां, घर में। अगर घर में प्रेम नहीं है, एक का मुंह उधर को एक का उधर को, मेरे पास आते हैं ऐसे पत्थर आते हैं औरतें बहुत दुखी हैं, पति भी दुखी हैं, कई पति पत्नियों से दुखी हैं, कई पत्नियां पतियों से दुखी हैं। लो ब्याह कर लेकर आया एम ही झगड़ा ले लिया, क्या उन्होंने कल्ले रहने चंगा सी। क्या कहा मैंने, आगे पढ़ो। भला बना संजोग प्रेम का चोलना। वाह कबीर साहब कहते भला बना संजोग प्रेम का चोलना। ओ बड़ा चंगा संजोग सी, ओ बड़ा चंगा समय सी जिसने तुहानू ये शरीर मिलिया। आह कदर कर लो इसकी, इसकी कदर कर लो। क्यों सिर झुकाते हो कभी कहां कभी कहां। ये सिर इतना बड़ा है इसको एक जगह ही झुकाओ, ये सिर हर जगह नहीं झुकना चाहिए, और वो केवल एक गुरु की जगह है और नहीं। क्या कहा मैं अभिमान की बात नहीं कर रहा हूं, कोई मान की गल नहीं कर रहे कि होर कितने ना झुकाओ सिर, हर जगह इज्जत करो मान करो, लेकिन इसमें जो बैठा है वो केवल एक का ही है, दूसरे का नहीं हो सकता। क्या कहा मैंने, आगे फिर जोड़ी ला भला बना संजोग प्रेम का चोलना, तन मन अर्पों शीश साहेब हसे बोलना। कब साहब से बोलोगे, वो साहब जो तुम्हारे अंदर है, तन मन और सिर आत्मा, उसको सौंप दोगे तब साहब से मुलाकात होगी, उससे पहले नहीं होगी। इसीलिए कहा गया है ना, तन मन धन गुरु को अर्पण कर दो। ये थोड़ी है कि तन को उन्होंने कोल बिठा दो, जा मन नु उन्होंने दे दो, लो जी आ मन केड़ा चीज है, लड्डू है जो दे देने। मन से निकल जाना, जब बैठना उसको याद करने के लिए, शरीर को भूलना उसकी याद में तन को देना है पहली बात। मन को देना क्या है, सिमरन करते करते मन से आगे निकल जाना, मन देना है, और फिर उससे आगे चलते चलते बेख्वाशी बेख्याली, उसको कहते हैं निध्यासन, उसको कहते हैं समाधि, उसके बाद आती विस्माद आदि, विस्माद समाधि, जिसमें न तन की होश है, न मन की होश है, न आत्मा की होश है, तुम अपने आप में ठहर जाते हो। वो लेना है हमने, पढ़ो फिर यही लाइन। भला बना संजोग प्रेम का चोलना, तन मन अर्पों शीश साहेब हसे बोलना। तब साहब खुश होता है। और गुरु महाराज जो बाहर वाले बैठे बैठे होते हैं वो कब मतलब खुश होते हैं, वो पहचान लेते हैं कि ये बच्चा लाइन पर चला हुआ है, बाकी नहीं। मैंने महसूस किया हुआ इस बात को, मैं अभिमान नहीं करता हूं, मैं मान नहीं करता हूं,
लेकिन जब मैं बापा जी महाराज के पास आता था वो खुश हो जाते थे। उनके चेहरे पर मुझे पता लग जाता था, मुझे देखकर खुश हुए हैं, क्योंकि मैं उनकी बात के ऊपर चलता था। बच्चा था ना, बच्चा मान जाता है बापू की बात, जब बड़ा हो जाता है फिर नहीं मानता। क्या कहा मैंने, वो आम आ जाता है। मेरे तो आम आया ही नहीं, मैं तो खोज में था, खोज में, जब खोज मिल गई तो मैंने किसको याद करना था। बिन गुरु ज्ञान न उपजे साधो, लो गुरु की शरण आई। गुरु के बगैर ज्ञान, गुरु की हट्टी पर जाओ, मगर शर्त क्या कह रहा हूं, कुछ मांगने मत जाओ। अगर तुम कुछ मांगने जाते हो कि वहां जाएंगे तुम्हारा जे काम हो जाएगा, फिर तुम सौदा करने गए हो। तुम सब कुछ भूल कर जाओ और जे समझ कर जाओ कि वहां सब कुछ मिलता है। बिन मांगे सब कुछ देता है मेरे सतगुरु परम दयाल। बिन बोलिया सब कुछ जानदा, ऐसे भी गुरबाणी कहती है, बिन बोलिया सब कुछ जानदा कि उतर जानदा तुसी कित्थे खड़े हो, उतर जानदा तुसी की करना चाहते हो। तो तुसी अंदर, मैं आपके सामने बैठा हूं। 18 साल की उम्र में मैं महाराज जी के चरणों में आया, मास्टर मोहनलाल के घर। तुसी हैरान हो गए कि मैंने महाराज जी से कुछ नहीं मांगा, पहली बात। और दूसरी बात, परमदयाल जी महाराज ने मुझे भी नहीं पूछा, तुम बच्चा कहां से आते हो, तेरे माँ बाप क्या करते हैं, तू क्या करता है, उन्होंने भी नहीं पूछा। हमारा अंदर ही पता नहीं क्या मेल था, ये तो वो ही जानते हैं। जब 1970 में मेरे पास गए महाराज जी, तो गाड़ी ऊपर से आई, लेट आई, तो मैं दौड़ कर गया उनके पास, जाके पांव छुए, क्योंकि गाड़ी बहुत लेट आई थी, ऊपर से आई, नीचे से नहीं गई। तो मेरे कंधे पर हाथ रखकर महाराज जी ने फरमाया, मेरे कंधे पर हाथ, एक हाथ में छोटा है, दूसरे हाथ में मेरे कंधे पर रखा, दाया हाथ, बाएं हाथ में छोटा चलने वाला, बच्चा तुम्हें नहीं पता मैं तेरे पास क्यों आता हूं। अब वो ही जानते थे ना, मुझे क्या पता, मुझे तो बाद में पता चला कि मेरे पास क्यों आते थे। मेरे अंदर को साफ करने के लिए आते थे, मेरे अंदर की पोचा मारने के लिए आते थे। क्या कहा मैंने, तो मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं आपके श्री चरणों में बैठा आपकी सेवा कर रहा हूं। और मेरे में गुण क्या है, कुछ भी नहीं, उनकी वाणी तुम्हें पहुंचा रहा हूं कि इस तरह से जियो, ऐसा जीने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, छोड़ो सारे ये झंझट कहीं के, आंख बंद करो, तुम्हारे अंदर है वो, उसको देख लो, वही तुम्हारा पिया है और वही तुम्हारे सब काम करने वाला है। तुम मांगोगे अंदर मिलेगा, बाहर मांगोगे तो भिखारी बन जाओगे। बाहर मांगने से तुम क्या बनोगे, भिखारी, अंदर मांगने से क्या बनोगे, बाप के बच्चे। बाप से बच्चा कोई भी चीज मांगने मिल जाती है, और क्या कहूं मैं, पढ़ो फिर ना जाएंगे। जो गुरु रूठे होए तो तुरंत मनाइए, जो गुरु रूठे होए तो तुरंत मनाइए, कोई है दीन अधीन चूक बकसाइए। सामने एक बात क्यों लिखी मुझे नहीं पता, मेरे गुरु तो कभी मेरे से रूठे नहीं। कबीर साहब ने क्यों लिखी मुझे नहीं पता भाई, लेकिन मेरे गुरु कभी मेरे से रूठे नहीं, मुझे मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो तो खुद कह देते थे, बेटा मैं तेरे पास आना है, गाड़ी लेकर आ जाना। अब बताओ मैं कैसे मानूं, मैं कबीर साहब ने जहां सहमत नहीं हूं, गुरु नहीं रूठता। हाँ वो शायद रूठता हो उस वक्त का भी गुरु होगा, क्योंकि रामानंद जी महाराज उनको अपना चेला नहीं मानते थे। रामानंद जी महाराज कबीर साहब को अपना चेला मानने से इनकार करते थे कि ये छोटी क्लास का है, ये छूत है, ये मेरा चेला नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, कब माना उन्होंने, मैं बता भी देता हूँ। कबीर साहब सुबह सुबह मत्था टेकते थे उनको जाकर, बाहर से अंदर नहीं जाने पे आगे होते थे। तो ठाकरा जी स्नान करा लिया रामानंद जी महाराज ने,
तो उनके सिर पर ताज भी रख दिया, मूर्ति पूजा करते थे ना वो, तो हार गया हाथ में रह गया, हार उनके ताज पहले रख दिया, हार हाथ में रह गया। तो वो शशोपंच में पड़ गए कि अब मैं ताज कैसे उतारूं, भगवान के सिर से ताज कैसे उतारूं और हार कैसे डालूं। काफी देर चिंता में, और कबीर साहब बाहर देख रहे हैं, कबीर साहब बाहर खड़े देख रहे हैं क्योंकि देखने की जगह थी। तो कहते महाराज चिंता क्यों करते हो, ये धागा खोल लो हार का और हार को ऐसे उनके गले में डाल के पीछे गांठ दे दो। तब माने, कहते कबीर तू गुरुओं का गुरु है, तब उन्होंने उनको अपना शिष्य माना। बहुत ही एग्जाम्पल्स हैं ऐसी उनकी, बात मेरी समझ गए, नहीं तो वो रूठ गए तो रूठ जाते थे। नहीं क्योंकि उनके चेले दूसरे थे ना, दूसरी उनका अपने आप को ऊंचा कहलाने वाले, तो वो नफरत करते थे कबीर साहब से, लेकिन वो तो कबीरों का कबीर था। इसलिए मैं कहा कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, मेरे गुरु मेरे से कभी नहीं रूठे, मुझे तो प्यार मिला, मुझे तो उन्होंने गोद में बिठा लिया, मैं कैसे कहूँ मेरे से गुरु नाराज थे। मेरे को तो, मैं आपको बात बताता हूँ, 1979 में हम आए, मैं मेरी बच्चे 79 में, बस कार तो थी नहीं, कार तो बाद में मिली, तो रिक्शे में आए हम तीनों बच्चे, वाइफ मेरे, तीन बच्चे छोटे थे उस वक्त, बड़े नहीं थे, हम वहाँ रिक्शे से उतरे। तो महाराज जी, ये बरामदा था उस वक्त, तो बरामदे में महाराज जी जहाँ बैठे थे अकेले, 79 12 तारीख थे, महाराज जी यहाँ से उठकर मेरे पास गए, बैठे कल्ले, वहां जाकर मुझे कहते बच्चा ए मंदिर वालों ने तुम्हें इस साल कमरा नहीं कोई भी रखा, उनका दर्द मेरे लिए, ए मंदिर वालों ने बच्चा तेरे लिए कोई मेरे कमरा खाद रखते थे मेरे लिए बाबा जी हर विसाखी पर। मैंने कहा पिताजी मुझे मंदिर में जगह नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरणों में जगह चाहिए, बस वो दे दीजिए और मुझे जफी डाल ली, मुझे जफी डाल ली और मैं साथ ही जफी में जहाँ आ गया, बच्चे जहाँ बैठे हम आधा पौने घंटा बैठे, फिर गांव चले जाते थे, सुबह आ जाना सवेर का सत्संग सुनना, शाम को डेरा हो जाना नहीं जाना, और चला गया। ये महाराज जी की आपको मैं बात बता रहा हूँ, मुझे उनके चरणों की जगह मिली हुई है, और चरण क्या है उनके ये भी सुन लो, ये भी सुन लो, गुरु क्या है वो तुम्हारे अपने अंदर है, चरण उनके प्रकाश है और शब्द उनका रूप है, वो मिल गया मुझे सतगुरु प्यारा मिल गया, तो मुझे अब कहाँ भागना है, कहाँ भागना है। इसलिए मैं कबीर साहब की बात बार बार कहता हूँ, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, क्या कहा मैंने, हमारा यार है हम में, हम उनको इंतजार किस बात की इंतजार करें, किस कहां जाएं, तुम्हारे पास है। इसलिए जय जो कबीर साहब ने लिखा, मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, मेरे साथ मेरे सतगुरु कभी नाराज नहीं हुए, मुझे प्यार मिला, मुझे ज्ञान मिला, मुझे अनुभव मिला, मुझे विवेक मिला, मुझे सब कुछ मिला, मेरी दुनिया बन गई, मेरा दीन भी बन गया, फिर और सतगुरु से मैं क्या मांगू, कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे जिंदगी में, सब कुछ अपने आप हो रहा है और होता रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। जब मैं उसी का हो गया तो मुझे क्या चिंता है, मेरे सतगुरु बिन और कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ठहर जाओ, एक जगह ठहर जाओ। इसलिए मैं कहा करता हूं कि कमल का फूल कहां खिलता है, ठहरे हुए पानी में खिलता है, बेशक वो गंदा ही क्यों ना हो, वो वहां लगेगा, लगेगा। इसलिए तुम ठहर गए, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, क्यों नहीं होगी, आगे बढ़ो, आखिरी कर दो चलाए। जो गुरु हो ये दयाल है, दया दिल है, कोटि कर्म कट जाए
कर लिया। कबीर साहब कहते हैं दुर्मति दूर करो, दिल की दुर्मति दूर करो और जुगुन जुगुन राज करो। कहाँ? सतगुरु के दरबार में। इस दुनिया में आने की जरूरत नहीं है, अनुभव हो गया ना, कुछ नहीं है जी। आंख बंद दुनिया नहीं है, आंख खुली है तो दुनिया है। क्या कहा मैंने? तो आज तो बहुत कुछ मैंने कह दिया। सच्चे दिल से चाहता हूँ, मेरे पास और कुछ देने को नहीं है, कि तुम सुखी रहो, शारीरिक रूप से सुखी रहो, मन के रूप से सुखी रहो, आत्मिक स्तर पर खुशी रहो और मालिक आपको अपनी झलक दिखाए, आपके घर में सुख रहे, शांति रहे। तुम्हें कोई चीज़ मांगने की जरूरत ना पड़े, अपने गुरु पर अपने मालिक पर पूरा विश्वास कर लो, तुम्हारे सभी काम अपने आप होते जाएंगे। सबको प्यार भरी राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।